बॉयज गर्ल्स एंड किड्स, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2018 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए 10 कदम सीरीज चली हुई है। ये थर्ड वीडियो है और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो 2017 में जो पोलिंग हुआ, इलेक्शन हुआ विधानसभा का हिमाचल प्रदेश में, तो उसमें जो मिनिमम वोटिंग परसेंटेज था वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में रिकॉर्ड किया गया। इसमें जो आंसर्स हैं उसके हिसाब से ये क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा है, तो जो मिनिमम वोटिंग परसेंटेज था वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में था, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से जो शिमला अर्बन है ये कंस्टिट्यूएंसी थी जिसमें मिनिमम वोटिंग परसेंटेज रहा, कंस्टिट्यूएंसीज की अगर हम बात करें। कुछ और डाटा देख लेते हैं, टोटल जो वोटर्स थे हिमाचल प्रदेश के इस इलेक्शन में वो 74.61% थे। हाईएस्ट वोटर्स जो थे वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में टर्नआउट हुए, और हाईएस्ट जो वोटर टर्नआउट था वो दून कंस्टिट्यूएंसी में रहा, डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ती है। और अगर हम लोएस्ट वोटर्स टर्नआउट की बात करें तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट इसमें लोएस्ट वोटर्स टर्नआउट हुए, और लोएस्ट वोटर टर्नआउट जो कंस्टिट्यूएंसी है अगर कंस्टिट्यूएंसी की बात करें तो वो शिमला अर्बन है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर भी है। 63.76% लोगों ने ही वोट डाला, मतलब वोटर्स आउट ऑफ वोटर्स ये बात हो रही है, आउट ऑफ वोटर्स 63.76 वोटर्स ने वोट डाला। टोटल जो एलिजिबल वोटर्स थे वो 50 लाख के करीब थे, इसमें 37 लाख के करीब लोगों ने ही अपना मतदान का इस्तेमाल किया, और जो चार थे इसमें टोटल वोटर्स में जो चार लोग थे वो ट्रांसजेंडर्स भी थे, मतलब थर्ड जेंडर भी थे। टोटल जो पोलिंग स्टेशन थे वो 7,525 पोलिंग स्टेशन इसमें बनाए गए थे। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट वुमेन थी जो हिमाचल की रिप्रेजेंटेटिव थी राज्यसभा में वो कौन थी। हिमाचल प्रदेश में जो टोटल राज्यसभा की सीट्स हैं वो तीन होती हैं और 6 साल की टर्म रहती है इसमें। 1956 से हम लोग राज्यसभा में अपने मेंबर्स भेज रहे हैं, तो जो फर्स्ट लेडी थी हिमाचल की जो कि राज्यसभा में गई थी वो थी आपकी लीला देवी। ये देखो 1956 में आप देख रहे हैं, 1956 से 1962 तक ये राज्यसभा की मेंबर रही हिमाचल प्रदेश की तरफ से। इसके साथ ही जो और लेडीज हैं जो राज्यसभा में गई हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ से वो आपकी विमला कश्यप सूद हैं, आपका बिप्लब ठाकुर हैं, इनका सेकेंड टर्म अभी चल रहा है 2014 से लेकर 2022 तक इनका सेकेंड टर्म रहेगा। इसके साथ ही सत्यवती डांग, मोहिंद्र कौर, चंद्रेश कुमारी, उषा मल्होत्रा, तो ये बाकी लेडीज हैं जो राज्यसभा की मेंबर रही हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ से। आज की डेट में जो तीन मेंबर्स हैं हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा में उसमें बिप्लब ठाकुर हैं 2014 से 2020 तक, अनंत शर्मा 2016 से 2022 तक का इनका रहेगा टर्म, और जगत प्रकाश नड्डा ये अभी रिसेंटली दोबारा से चयनित हो गए हैं 2018 अप्रैल में, 2024 तक ये रहेंगे। तो जगत प्रकाश नड्डा बीजेपी के हैं और जो बाकी दो हैं वो कांग्रेस पार्टी के हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो फेयर एंड फेस्टिवल्स से जुड़ा हुआ है, हिमाचल प्रदेश के जो फेयर एंड फेस्टिवल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो हल्दा फेस्टिवल जो है वो न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होता है जनवरी के महीने में, लाहौल स्पीति वैली में मनाया जाता है, 2 दिनों का ही त्यौहार है। साजो जनवरी में किन्नौर में मनाया जाता है, 1 दिन का त्यौहार रहता है। लोहड़ी जो है वो पूरे हिमाचल में मनाई जाती है 13 जनवरी को, माघी भी इसको बुलाते हैं क्योंकि माघ महीने में आती है। एचपी जो विंटर कार्निवल है वो जनवरी मंथ में आता है और मनाली में ये मनाया जाता है, 1 दिन का ये त्यौहार है। स्कीइंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स में की जाती है। जो नेक्स्ट फेस्टिवल है उसमें जो आपका लोसार फेस्टिवल है, लोसार का मतलब होता है नया साल, तो जो फर्स्ट ल्यूनर मंथ होता है फेब्रवरी में आता है उस दौरान ये मनाया जाता है फेस्टिवल। 15 दिनों का ये फेस्टिवल होता है। इसमें जो मेन खाने का आइटम है वो एक तरह से नूडल्स होते हैं जिनको थुकपा या भटूक बुलाते हैं। जो फर्स्ट डे होता है इस फेस्टिवल का उस दिन जो एक तरह से उसको लोमा लोसर बुलाते हैं, और इस दिन गुरु या फिर दलाई लामा की पूजा की जाती है। मास्क डांस परफॉर्म किया जाता है इस फेस्टिवल में जिसको डेविल डांस भी बुलाया जाता है। नेक्स्ट है डांगरी फेस्टिवल, कुल्लू में ये मनाया जाता है, हिडिंबा देवी का बर्थडे के तौर पे इसको मनाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन ही आता है इसलिए इस दिन इस दौरान काफी फ्लावर्स और कलरफुल एनवायरमेंट बना होता है।
तो मई के मंथ में आता है, एक दिन का ये फेस्टिवल है डांगरी फेस्टिवल। नेक्स्ट है महाशिवरात्रि, तो ऐसे तो पूरे हिमाचल में ही मनाई जाती है। लॉर्ड शिवा की शादी हुई थी इस दिन पार्वती जी के साथ, और फरवरी के दिन महीने में आता है, एक दिन का ये फेस्टिवल है। लेकिन जो मंडी का महाशिवरात्रि है वो इंटरनेशनली फेमस है, 3 दिनों का ये फेस्टिवल रहता है, और इस फेस्टिवल में शोभा यात्रा निकाली जाती है। और जो माधव राव का मंदिर है उसमें विजिट करना एक मैंडेटरी रहता है, जो मंडी की शिवरात्रि है उस फेयर में। नेक्स्ट है नलवाड़ी फेयर, तो कैटल ट्रेडिंग फेयर है ये, और जो सुपरिंटेंडेंट थे शिमला के 1889 में, जिनका नाम W. गोल्डस्टेन था, उन्होंने ये शुरू किया था। नलवाड़ी आपके बिलासपुर में पड़ता है, 7 दिनों का इसका ड्यूरेशन रहता है। और जो रेसलिंग है या फिर शॉपिंग है लोकल जो आर्ट्स आर्ट क्राफ्ट्स हैं उनके लिए, तो उसके लिए फेमस है। नेक्स्ट है बैसाखी, तो ये पूरे हिमाचल में ही अलग अलग नाम से इसको मनाया जाता है। बैसाखी क्या होता है, एक तरह से विंटर का एंड के तौर पे इसको मनाया जाता है। सेलिब्रेशन होती है विंटर के टाइम, मूवमेंट कम आता है होता है, लोगों को बाहर निकलने का मौका कम होता है, इसलिए जैसे विंटर खत्म होती है तो बैसाखी को सेलिब्रेट किया जाता है। रिवालसर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, पराशर लेक है मंडी के नजदीक, उसमें इसके साथ ही शिमला के नजदीक तत्तापानी है, वहां पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। सुई मेला जो चंबा में है वो भी बैसाखी के ही दिन ही मनाया जाता है, इसी मौसम में मनाया जाता है। जो महानाग है मंडी में, वहां पे भी इसको मनाया जाता है। मारकंडा फेयर बिलासपुर बैसाखी के दौरान ही आता है। रोहड़ू की जात्रा जो है वो भी इसी दौरान मनाई जाती है, 13 और 14 अप्रैल को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। रेसलिंग आर्चरी और जो डांस है या फिर फोक म्यूजिक है वो उसी उसको इसमें हम लोग परफॉर्म करते हैं। स्प्रिंग फेस्टिवल जो है वो कुल्लू में मनाया जाता है 28 से 30 अप्रैल को, मतलब 3 दिनों का ये त्योहार है। और कल्चरल प्रोग्राम इसमें परफॉर्म किए जाते हैं, अलग अलग आर्टिस्ट आते हैं, और इसको लोकली पीपल जात्रा या फिर बसंतोत्सव भी बुलाया जाता है। एक तरह से बिगिनिंग है ये स्प्रिंग सीजन का, तो उसीलिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। राखी भी हिमाचल प्रदेश का एक फेमस फेस्टिवल है। इसके साथ ही जो फ्लैच फेस्टिवल है, मतलब फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स है, और ये भद्रपदा मतलब बरसात के मौसम में होता है, किन्नौर वैली में मनाया जाता है। 7 दिनों का त्यौहार है और कल्चरल प्रैक्टिसेस इसमें की जाती हैं। लदारचा फेस्टिवल या फिर लादरचा जो फेयर है वो एक तरह से कमर्शियल बॉन्ड है इंडिया और तिब्बत के बीच में। 1962 की जो लड़ाई हुई इंडिया चाइना के बीच में, उसकी वजह से इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन 1980 में ये दोबारा से शुरू हुआ। तो फोक सॉन्ग्स हैं, फोक डांस हैं, जो आर्टिस्ट्स का परफॉर्मेंस है, तिब्बतन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, इसके साथ ही जो भूटान लद्दाख सिक्किम किन्नौर यहाँ से जो आर्टिस्ट हैं वो आकर यहाँ परफॉर्म करते हैं, और एक तरह से एक्सपोजर मिलता है अलग अलग आर्ट्स का और कल्चरल इवेंट्स का। इसके साथ ही एक तरह से ट्रेडिंग भी किया जाता है इस लदारचा फेस्टिवल में, और 3rd वीक ऑफ अगस्त में ये आता है, काजा स्पीति में इसको मनाया जाता है। 3 दिनों का ये त्योहार है। कुल्लू दशहरा भी वर्ल्ड फेमस है, और अक्टूबर या फिर नवंबर मंथ में ये आता है, एक दिन का ही ये प्रोग्राम होता है इसमें। और जो ट्रेडिशनल प्रोसेशन है, मतलब लॉर्ड जो रघुनाथ जी हैं उनका एक तरह से झांकी निकाली जाती है इसमें। नेक्स्ट है जो इंटरनेशनल हिमालयन फेस्टिवल है, ये कांगड़ा वैली में मनाया जाता है, 2 वीक तक ये चलता है, और दिसंबर में ये आता है। इसमें कल्चरल प्रोग्राम्स जो आर्ट्स हैं आर्टिस्ट हैं वो आकर परफॉर्म करते हैं। और आइस स्केटिंग कार्निवल जो है वो शिमला में मनाया जाता है, क्योंकि शिमला में एशिया का सबसे बड़ा नेचुरल आइस स्केटिंग रिंग है, तो उसी रिंग पे ये आइस जो है स्केटिंग कार्निवल है वो मनाया जाता है। दिसंबर से लेकर फरवरी तक ये चलता रहता है, 3 मंथ्स तक, और इसको या तो डलहौजी में मनाया जाता है या फिर शिमला में मनाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, इन विच मंथ डज द एनुअल मणि महेश पिलग्रिमेज यूजुअली बिगिन। ये जो मणि महेश है ये चंबा में पड़ता है, और इसको मणि महेश कैलाश पीक या फिर चंबा कैलाश के नाम से भी बुलाया जाता है। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो मणि महेश कैलाश पीक है और दूसरा मणि महेश लेक है। तो भरमौर जो सब डिवीजन है चंबा डिस्ट्रिक्ट का, उसमें ये लोकेटेड है, और लगभग 26 किलोमीटर पड़ता है आपके भरमौर से।
बुधिल वैली में ये पड़ता है, जो ये भी याद याद रखें आपके वैली का नाम बुधिल वैली है। मणिमहेश कैलाश जो पीक है उसमें आपका जो हाइट है उस पीक की जो 5,653 मीटर है। भादों के महीने में ये सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब ये जो आपका जो यात्रा है ये भादों के महीने बरसात के मौसम में होती है, तो इसका सही आंसर है अगस्त मंथ। आगे बढ़ते फिफ्थ क्वेश्चन है कि जो तीन नीचे दिए गए पावर प्रोजेक्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश के, तो उसमें कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर में पड़ते हैं। जोगनी, नांटी, कुर्मी, ये तीनों जो प्रोजेक्ट्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर में ही पड़ते हैं। पावर प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो टोटल हाइड्रो पोटेंशियल है वो 27,436 मेगावाट का है, और इसमें जो हार्नेसेबल है वो 24,000 मेगावाट जो हम हाइड्रो पावर है उस ये इसको हैनेस कर सकते हैं। ऑलरेडी जो 20,000 के आसपास आपके मेगावाट का जो पावर है पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो हम अलॉट कर चुके हैं, और इसमें से जो 10,000 जो आपका मेगावाट पावर है उसको हम लोग हार्नेस कर भी चुके हैं। ये जो डाटा है जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपका डाटा है अभी अप्रैल 2018 तक का। नए प्रोजेक्ट कुछ लग रहे हैं, साई कोठी 1 है 15 मेगावाट का चंबा में, देव कोठी है 16 मेगावाट चंबा चंबा में, साई कोठी 2 है जो 16.5 मेगावाट चंबा में है, और हेल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है 18 मेगावाट का चंबा में। इसके साथ कुल्लू में एक रायसन है, किन्नौर में बतसेरी और न्यू नोगली शिमला में। तो ये सारे जो अभी मैंने आपको पावर प्रोजेक्ट्स बताए हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास हैं। अब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो अंडर ऑपरेशन है, मतलब काम कर रहे हैं आज की डेट में। उसमें आपका स्वरा कुड्डू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है 111 मेगावाट का, पब्बर नदी में है, रोडू में पड़ता है शिमला में, और आपका सेंज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है 100 मेगावाट का कुल्लू में है, ये अंडर एग्जीक्यूशन है अभी, इस पे काम चला हुआ है। कशैंग एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, स्टेज 2 है इसकी और स्टेज 3, मतलब तीनों स्टेजेस में है ये, तीनों तीन स्टेज है, मतलब तीन पावर प्रोजेक्ट हैं इसके। कशांग के किन्नौर में है ये, 130 मेगावाट का है इसका हर एक स्टेज। इसके साथ ही एक शोंगटोंग करछम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है 450 मेगावाट का, और किन्नौर में ये है। कुछ सोलर पावर प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, इसमें दो जगह पे ये सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप इसको ध्यान रखें। सोलर पावर प्रोजेक्ट्स का दो जगह पे है ये आपका, एक ऊना में, आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं जैसे ऊना में कोई किसी तरह की रिवर नहीं है वैसे फास्ट फ्लोइंग रिवर, या फिर ग्रेडियंट इतना ज्यादा नहीं है कि ये जो हाइड्रो पावर बना सकते हैं, इसलिए हम पावर सोलर से ले रहे हैं यहाँ पे। तो ऊना में है एक, अगलोर में 10 मेगावाट का है, और दूसरा जो है आपका बेरा डोल है, मतलब नैना देवी जी जो कि आपका बिलासपुर में पड़ता है, ऊना और बिलासपुर में बेरा डोल नैना देवी के पास। तो दो जो है सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं, बिलासपुर वाला जो है वो 5 मेगावाट का है और ऊना वाला 10 मेगावाट का है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था आपके आर्टिकल 19 के तहत, 19(1)(f) जो था उसमें ये आर्टिकल आपका फंडामेंटल राइट हुआ करता था। तो 1978 में क्या होता है कि इसको फंडामेंटल राइट की सूची से हटाकर आपका इसको एक लीगल राइट बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो 1978 में आपका 105वां और सॉरी ये जो आपका 44th अमेंडमेंट हुआ था, 44th अमेंडमेंट 1978 में, उसी में इसको राइट टू प्रॉपर्टी को आपके फंडामेंटल राइट से हटाकर आपका लीगल राइट बना दिया गया, एक तरह से स्टैट्यूटरी लॉ बना दिया गया था। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसको फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट तो बना दिया गया, लेकिन साथ ही साथ एक आर्टिकल 300A भी डाल दिया गया आपके संविधान में, और इस आर्टिकल में आपका आपको एक तरह से प्रोटेक्शन दिया गया कि आप अपने प्रॉपर्टी रख सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवंथ क्वेश्चन है कि जो जो आपके पास जो आपके ये MPs होते हैं ना, उनको कुछ प्रिविलेज होते हैं, कुछ इम्यूनिटीज होती हैं, उनको कोई एकदम से अरेस्ट नहीं कर सकता है, उनको स्पीक करने का प्रिविलेज होता है, बोलने का आजादी, ज्यादा आजादी होता है, ज्यादा प्रिविलेज होता है, इम्यूनिटी होता है,
तो किस आर्टिकल के अंडर होता है? तो आर्टिकल 105 जो है उसी में जो एमपीज हैं मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उसमें इनको पावर दिया गया है, इनको राइट्स दिया गया है, इनको प्रिविलेज दिया गया है, इम्यूनिटी दी गई है। इसके साथ ही साथ जो आर्टिकल 194 है उसमें जो आपके स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं मतलब जैसे आपके विधानसभा के जो मेंबर्स हैं आपके एमएलएज हैं उनको भी इसमें उनको 194 में पावर दिया गया है, प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज दे दी गई हैं। प्रिविलेजेस जो हैं वो किसी भी हाउस में दो तरह की होती हैं, एक तो इंडिविजुअल लेवल की होती हैं और दूसरी जो है वो आपके एक कंबाइंड होती है मतलब सबको कलेक्टिवली दे दी जाती है। तीन तरह की एक तरह से फ्रीडम आप मान सकते हो, एक स्पीक करने की बोलने की, दूसरा आपको जो एग्जेम्पशन है मतलब एज ए विटनेस आप कहीं जाने के लिए एग्जेम्प्टेड हो, आपको जरूरी नहीं है कि कहीं विटनेस बन के जाना ही पड़ेगा, तो ये आपके पास फ्रीडम है होता है, आजादी होती है। तीसरा आपको अरेस्ट नहीं कोई भी कर सकता है, आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर। वो जब आपको किसी पर्टिकुलर क्राइम अगर मान लो आप कर भी देते हैं बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो आपको कुछ समय बाद उस पे एक्शन लिया जाएगा, तो हाल फिलहाल आपको इम्यूनिटी उससे मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ स्टेटमेंट्स दे रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो इंडियन इंडियन ब्रांड है सोशलिज्म का वो स्टेट सोशलिज्म है, तो ये सही नहीं है। इंडियन ब्रांड जो है वो एक तरह से मिक्स्ड सोशलिज्म है, एक तरह से गांधीयन सोशलिज्म है। सेकेंड है थ्री न्यू वर्ड्स, तीन नए शब्द बोला डाला गए थे 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी जिसको बुलाते हैं, इंदिरा गांधी जी के टाइम में हुआ था। तो तीन वर्ड जो थे वो सोशलिस्ट सेकुलर और डेमोक्रेटिक थे, तो ये बात भी सही नहीं है क्योंकि डेमोक्रेटिक तो वर्ड ऑलरेडी हमारे प्रियम्बल में था, सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड डाले गए थे। थर्ड जो था कि जो प्रियम्बल जो है वो सोर्स नहीं है पावर का हमारे लेजिस्लेचर के लिए, परंतु एक तरह से प्रोहिबिशन का ये काम करता है लेजिस्लेचर पे, तो ये भी बात सही नहीं है। जो प्रियम्बल है वो हमारा एक तरह से फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशन की और एक तरह से गाइडिंग प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करता है हमारे बाकी का जो मेन बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशन की उसको। तो आपका क्वेश्चन था कि ऊपर जो तीन स्टेटमेंट्स हैं उसमें से कौन सी सही नहीं है, तो तीनों ही सही नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ये डी, तो डेल्टा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 368 की बात हो रही है, तो आर्टिकल 368 जो है उसमें मेनली प्रोसीजर और अमेंडमेंट्स, जो अमेंडमेंट है आपके संविधान का अमेंडमेंट है उसके बारे में बात करता है आर्टिकल 368, और साथ ही साथ जो टाइप ऑफ अमेंडमेंट्स हैं उसकी बात ये करता है, मतलब प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट्स और टाइप ऑफ अमेंडमेंट्स उसकी बात इसमें की जाती है। अब क्या है कि इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका कि किसी अगर मान लो आपके देश को मतलब भारत को अपनी कोई टेरिटरी दूसरे देश को देनी होती है तो उसके लिए जो हमारा संविधान का या फिर हमारा संविधान का संशोधन है वो करना पड़ता है अंडर आर्टिकल 368, तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट, अगर मान लो कोई नई स्टेट भारत में जोड़नी है जैसे सिक्किम को जोड़ा गया था पिछले दिनों पिछले सालों में, तो उसके लिए भी संविधान संशोधन करना पड़ता है, तो ये बात सही नहीं है। अगर कोई स्टेट जोड़ना है इंडियन में इंडिया में तो आपका संशोधन करने का जरूरत नहीं है संविधान में, वो ऐसे ही नॉर्मल लॉ पास करके ही उसको डाल दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, तो इसका सही जवाब होगा आपका वन ओनली। ठीक है,